जब टीवीएस ने अपाचे 164V मॉडल BS6 में मार्केट में लेकर आई तो लोगों को इंतजार था अपाचे 162V मॉडल का। कंपनी उसके थोड़े दिन बाद ही 2V मॉडल 160cc में लेकर आ जाती है, लेकिन उसके बाद मार्केट में रूमर्स आ जाते हैं कि अपाचे 180 हो चुकी है डिसकंटिन्यू। काफी लोगों का मानना था कि अपाचे 180 कंपनी मार्केट में लेकर नहीं आएगी BS6 में, लेकिन कंपनी ने साइलेंटली BS6 मॉडल में 180 मार्केट में ले आई है। पहला वीडियो आपको YouTube पे हमारे चैनल पे देखने को मिला था, वॉक अराउंड वीडियो। मैं आ चुका हूँ डिटेल रिव्यू लेके अपाचे 180 BS6 मॉडल लेकर। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, मैं हूँ शुभम। आइए वीडियो देखते हैं, जानते हैं क्या है इस बाइक में नया, क्या कंपनी ने इसमें चेंजेस किए हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते रहते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट पोर्शन से, और फ्रंट पोर्शन पे आपको ज़्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एज इट इज़ जो भी ग्राफिक्स वगैरह हैं वही पूरे देखने को मिलेंगे। अभी इसमें कंपनी ने नया कलर भी नहीं लॉन्च किया है। तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें यहाँ पर हेडलाइट्स की, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि यहाँ पर ये LED लाइट आएगी, लेकिन कंपनी ने रेगुलर हैलोजन बल्ब का यूज़ किया है। हाँ, यहाँ पर साइड में LED स्ट्रिप पहले से ही आती थी, और यहाँ पर कंपनी ने LED स्ट्रिप ही यूज़ की है। अगर हम यहाँ बात करें विंडशील्ड की, तो आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। कि हेडलाइट हाउसिंग आएगी वो आपको प्लेन शेड में देखने को मिलेगी, जिस कलर में आप बाइक खरीदेंगे। यानी आप अगर रेड कलर में लेते हैं, या अगर आप ब्लू कलर में लेते हैं, या वाइट कलर में लेते हैं, तो आपको वैसे ही कलर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके टर्न सिग्नल लैंप्स की, तो आप रेगुलर बल्ब के साथ में टर्न सिग्नल लैंप्स इसके देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके हम टायर की बात करें, तो आपको मिल जाते हैं 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर, जो कि आ जाते हैं TVS के। अगर हम बात करें यहाँ ब्रेकिंग की, तो इसमें मिल जाता है सिंगल चैनल ABS। पहले इस मॉडल में डुअल चैनल ABS आया करता था, लेकिन कंपनी ने इसमें सिंगल चैनल ABS अब कर दिया है। और ये अभी से नहीं, ये काफ़ी पहले से कंपनी ने इसमें चेंज कर दिया था। यानी अब इसमें मिल जाता सिंगल चैनल ABS। बाकी अगर फोर्क की बात करें, तो आपको यहाँ मिल जाता टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिल जाते हैं। व्हील्स आपको मिलेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर के। फ्रंट की बात करें, तो वही आपको पुराना लुक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर रेडिएटर कंपनी ने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये बाइक लॉन्ग टूर के लिए काफी अच्छी हो गई है। अगर हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें, तो लेफ्ट आपको लेफ्ट साइड पे भी कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो आपको लेफ्ट साइड पे इसका जो पैनल है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और इसके पैनल पे आपको अपाचे की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, जो एज यूजुअल पहले से ही आती थी। अगर दोस्तों हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें, तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 12 लीटर की है, और इसके फ्यूल टैंक पे आपको हॉर्स की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, और इसके साथ में आपको बड़ा सा RTR की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, इसके फ्यूल टैंक को एग्रेसिव बनाती है। इसके बाद में बात करते हैं, तो इसका जो क्रैश गार्ड है उसका डिजाइन चेंज कर दिया है कंपनी ने। पहले सिंगल पीस में आता था, अब ये दो पार्ट में आ रहा है। और इसके बाद में जो उसके हॉर्न्स है, हॉर्न्स भी कंपनी ने नीचे कर दिए हैं, बाकी ये डुअल हॉर्न के साथ में आ जाती है। अगर हम इसके इंजन गार्ड्स की बात करें, तो इंजन गार्ड्स में भी कोई कंपनी ने ग्राफिक्स में चेंज नहीं किया। इंजन गार्ड पर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है RTFI, जो कि कंपनी इसके इंजन में ये टेक्नोलॉजी यूज कर रही, जो कि BS6 में आ चुकी है। तो हम सीट कवर की बात करें, तो सीट कवर पे आपको मिल जाता है RTR 180 की बैजिंग, साथ में आप ट्राई कलर के ग्राफिक्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम सीट की बात करें, तो आपको सीट पहले जैसी ही देखने को मिलेगी, यानी सीट में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दो लोग आप आराम से बैठ सकते हैं। अगर काफ़ी लोगों को कमेंट्स आते हैं कि क्या इस पे लेडीज़ बैठ सकती है या नहीं, या फैमिली के लिए है या नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लेडीज़ को बैठाना चाहते हो, तो आप इस पे लेडीज़ को बैठा सकते हैं। बाकी अगर हम रियर टायर की बात करें, तो रियर टायर भी आपको मिल जाता है 17 इंचेस का, और रियर पोर्शन पर भी आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपाचे 160 मॉडल में सिंगल और डबल डिस्क का ऑप्शन है, लेकिन 180 में सिर्फ डबल डिस्क ही बाइक आती है। बाकी अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें, तो आपको LED बैकलाइट देखने को मिल जाती है। अगर यहाँ पर टर्न सिग्नल लैंप की बात करें, तो आपको वही पुराने टफ टर्न सिग्नल लैंप देखने को मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मल बल्ब के साथ में आ जाते हैं। यहाँ अगर हम मटेरियल की बात करें, तो इसका टर्न सिग्नल लैंप काफ़ी हार्ड है, और ये बहुत जल्दी टूट भी जाता है अगर ज़रा सा भी झटका लगता है। बाकी यहाँ अगर हम बैक साइड की बात करें, तो आपको पिलियन हैंडल जो देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ऊपर से देखने में आपको यहाँ पर ये स्पोर्टी लुक देता है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें राइट प्रोफाइल की, तो राइट प्रोफाइल पर भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसमें मेजर चेंज देखने को मिला है, वो है कि यहाँ पर BS6 में आ चुकी है विदाउट किक ये बाइक। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ये फाइबर का कंपनी ने यूज़ किया है। इसको कंपनी ने यहाँ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इंजन जब हीट होता था, तो इसकी गर्मी जो है आपके पैरों पे लगती थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने कवर दे दिया है, ताकि जो है हीटिंग से बचा जा सके। अगर वहीं हम इसके साइड पैनल्स की बात करें, तो साइड पैनल पे आपको अपाचे की बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि कार्बन फिनिश्ड के साथ में ये पैनल आ जाता है।
बाकी राइट साइड की अगर सीट कवल की बात करें तो सीट कवल पे भी आपको अपाचे RTR 180 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, वो भी ट्राई कलर्स के साथ में ग्राफिक्स भी आ जाते हैं यहाँ पर। अगर वहीं हम बात करें इसके एग्जॉस्ट की तो एग्जॉस्ट पे कंपनी ने चेंज नहीं किया है। हाँ, इसके अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पे आपको एग्जॉस्ट पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर कैटलिक कन्वर्टर आ चुका है जो कि BS6 का एक हिस्सा है। बाकी अगर हम बात करें इसके इंजन गार्ड्स की तो इंजन गार्ड्स पे आपको TVS रेसिंग की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो आ जाता है व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। अगर वहीं हम सेंटर कवर की बात करें इंजन गार्ड की तो इंजन गार्ड में डिजाइन कंपनी ने चेंज किया है। तो दोस्तों ये तो हो गई कॉस्मेटिक चेंजेस की बात, अब मैं बात करने वाला हूं मैकेनिकल चेंज जो कंपनी ने यहां पर किया है और कंपनी ने कर दिया है यहां सबको सरप्राइज। यह दोस्तों अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आता है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन ऑयल कूल्ड OSC इंजन आपको देखने को मिल जाता है। इसमें पहले आता था एयर कूल्ड इंजन। प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें मिल जाता है 177.4 cc सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ में ये आ जाती है। तो ये बाइक पहले से ज्यादा रिलायबल हो गई है लॉन्ग टूर्स के लिए। दोस्तों अगर इसके हम पावर की बात करें तो इसमें मिल जाता है 12.35 जो कि 8500 RPM पे, और अगर हम टॉर्क की बात करें तो इसमें मिल जाता है आपको 15.5 जो कि 7000 RPM पे। मैक्सिमम स्पीड कंपनी यहां क्लेम करती है 113 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन अगर एक्चुअल में आप इसको चलाएंगे तो ये ज्यादा तेज भागेगी। बाकी अगर हम इसके ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 2085 mm की ओवरऑल लेंथ है। अगर विड्थ की बात करें तो 730 mm की है, और अगर इसकी हाइट की बात करें तो 1105 mm की हाइट आपको यहां मिल जाती है। अगर वहीं हम सीट की हाइट की बात करें तो 790 mm की सीट यहां पर मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको मिल जाता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। व्हील बेस की बात करें तो 1326 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। वहीं अगर इसके हम कर्व वेट की बात करें तो ये बाइक आती है 141 kg की। बाकी अगर हम यहाँ कंसोल पैनल की बात करें तो आपको मिल जाता है सीमी डिजिटल कंसोल, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दिया गया है ऑडोमीटर स्पीडोमीटर, साथ में आपको यहाँ देखने को मिल जाता है किलोमीटर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम भी देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल की लाइट देखने को मिल जाती है, और डिजिटल में आपको यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। अगर इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर तो आपको ये RPM का देखने को मिल जाएगा, ब्लिंक कर रही है ABS की लाइट है। इसके साथ में आपको यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर और यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। एक जो इसमें एक फंक्शन और ऐड हुआ है वो आप यहाँ देखेंगे इंजन मैल फंक्शन का ऐड हो गया है। अगर इसके बाद में हम बात करें इस बाइक को हमने चला कर देखा तो यहाँ पर जो भी लास्ट टॉप स्पीड रहेगी वो जब आप बाइक को रोकेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये कंपनी ने यहाँ पर चेंज किया है तो लास्ट टॉप स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम यहाँ स्विचेस की बात करें तो स्विचेस पे आपको यहाँ लो बीम और हाई बीम के लिए मिल जाता है, साथ में यहाँ पर इंडिकेटर्स के लिए मिल जाता है, और ये हॉर्न के लिए यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पास को देखने को मिल जाती है। बाकी अगर हम इसके यहाँ पर हैंडल ग्रिप की बात करें तो इसका हैंडल काफ़ी, अगर इसकी ग्रिप जो है वो काफ़ी बड़ी है, और यानी आपका अगर बड़ा भी हाथ है तो आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं। साथ में अगर हम यहाँ इसके हैंडल डम्पर की बात करें तो आपको ये डिज़ाइनर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम राइट हैंडल की बात करें तो राइट हैंडल पे आपको 2 स्विच देखने को मिल जाते हैं, यानी इंजन किल स्विच का देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको मिल जाता है 1 टच स्टार्ट के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया है। बाकी अगर इसके हम मिरर्स की बात करें तो आपको मिरर पुराना ही देखने को मिल जाएगा, यानी इसके मिरर्स में कोई चेंज नहीं किया है, और यहाँ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि इसका मिरर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा था। और अगर रियर व्यू की बात करें तो यहाँ पर रियर व्यू भी काफ़ी ब्रॉड देखने में आ जाता था। बाकी गाइस अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये 1 टच स्टार्ट है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ब्रेक लीजिए और यहाँ हल्का सेल्फ लीजिए तो देखिए ये बाइक स्टार्ट हो चुकी। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कराना चाहूँगा कि कैसा इसका एग्जॉस्ट है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ कंसोल पैनल की लाइट की तो आपको यहाँ पर व्हाइट लाइट देखने को मिल जाती है। सो गाइस अब इस बाइक को मैं चलाकर भी देखता हूँ कि ये कैसी चल रही, कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो इनिशियल पिकअप की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पावर इसकी, वाइब्रेशन की बात की जाए तो हल्का सा वाइब्रेशन है, और अभी मैं 90 पर हूँ तो सीट से वाइब्रेशन आ रहा है। बाकी अभी क्या है कि मैं इसमें ये जो टेस्ट कर रहा हूँ अभी इसमें मैं थ्रॉटल को नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये बाइक 6 से 7 किलोमीटर पर आवर की आराम से ये
चल रही है विदाउट एनी थ्रॉटल। ये आप ये देखेंगे थ्रॉटल मैं नहीं ले रहा हूँ और ये चलती जा रही है। पर कंपनी ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है जो GTT टेक्नोलॉजी है, और इसकी वजह से ये ट्रैफिक में इसका माइलेज भी अच्छा निकलेगा। बाकी इसका मैं माइलेज टेस्ट स्पेशली जरूर करूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगी हो तो प्लीज आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।